भाजपा के सत्ता पक्ष दल के नेता नगर निगम में एक प्रस्ताव पारित कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम का निर्णय अंतिम नहीं है, इसे राज्य सरकार की सहमति नहीं मिलेगी। और तथ्य यह है कि नागपुर के लोगों को महा मेट्रो का बढ़ा हुआ विकास शुल्क का भुगतान करना होगा, इसलिए यह सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा शहर की जनता को एक झूठा भरोसा दिया जा रहा है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार द्वारा दी गयी। महामेट्रो परियोजना अपनी स्थापना के समय से ही विवादास्पद रही है और वित्तीय व्यवहारता के अभाव में भी राजनीतिक व्यवस्था को खुश करने के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना में नागपुर नगर निगम सुधार प्रन्यास को परियोजना लागत में 5% की दर से शामिल किया गया है। तदनुसार महामेट्रो परियोजना के लिए निगम का वित्तीय योगदान 434 करोड़ रुपए है और नागपुर सुधार प्रणय का योगदान भी 434 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लोगों से लगभग 868 करोड़ रुपए वसूलने पर सहमति व्यक्त की है। महामेट्रो परियोजना के लिए नागपुर, चूंकि महामेट्रो परियोजना शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, यह स्थानीय स्वायत्त निकायों की वित्तीय भागीदारी के अनुरूप है, इसलिए इस परियोजना में विभिन्न नीतियों को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, क्योंकि नागपुर के लोग विकास के आरोपों के बोझ से दबे हुए हैं। लेकिन अब भाजपा के सत्तारूढ़ दल के नेता इसके खिलाफ नगर निगम में एक प्रस्ताव पारित कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चूंकि निगम का निर्णय अंतिम है, इसे राज्य सरकार की सहमति नहीं मिलेगी और तथ्य यह है कि नागपुर के लोगों को बाढ़ विकास शुल्क का भुगतान करना होगा, इसलिए यह सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का जनता को झूठा भरोसा जताया जा रहा है। कल नागपुर महानगर पालिका में एक ठहराव हुआ कि जो महा मेट्रो ने प्रकल्प के लिए जो 100% टैक्स वसूल करने के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो महा मेट्रो के साथ एग्रीमेंट करके इनको इतने पैसे यहाँ से दे के 22,000 करोड़ रुपए महा मेट्रो को देना है और वो नागपुर के जनता के जेब से निकालना है, उसके खिलाफ हमने एक 16 जनवरी 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें हमने बताया था कि नागपुर के जनता के ऊपर में जो ये टैक्स का जो बोझा जो गिरा रहा है और जिससे कोई भी नागपुर के जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका, उसके खिलाफ हम डिविजनल कमिश्नर के पास गए थे। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर के पास उन्होंने बताया कि ये स्टेट और सेंट्रल का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कल अचानक महानगर पालिका में ये ठहराव आया और ये महानगर पालिका में ठहराव ऐसा आया कि विकास शुल्क वार्ड फेटाड़ ली। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विकास के आरोपों पर आपत्ति नहीं जताई है। विरोध कर रहे स्थानीय पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर आंतरिक विरोध दिखाया है। पार्टी में गुटबाजी वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ काम करने वालों का कैडर तैयार करी है, ऐसा भी लग रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।